उत्तर प्रदेश में कानपुर ज़िले में 8 पुलिसकर्मियों की हत्याकांड का अभियुक्त विकास दुबे आज पकड़ा गया है। ये उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से इसकी धरपकड़ हुई है। माना जा रहा है कि विकास दुबे ने वहां पर 250 रुपये की VIP पर्ची कटाई और उसके बाद सामने वाली दुकान पर, प्रसाद की दुकान पर ये गया और इसने अपने बैग को रखने की जगह के बारे में पूछा। इसके बाद ये वापस आया और जब CCTV में ये देखा गया तो मंदिर के प्रशासन एकदम एक्टिवेट हो गया और इससे पूछताछ की गई और फिर साथ ही साथ पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है जी, उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं, रोड शो बोलते हुए, ये उस पर शायद वाच कर रहे थे पुलिस से। इन्होंने उस पर नजर रखी, वो मंदिर दर्शन करने गया, मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी, उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ और फर्जी ID बताई, तो फिर चौकी लेगा उसे, चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। विकास दुबे के दो साथी बिट्टू और सुरेश को भी पकड़ लिया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी कोई भी जानकारी आगे नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि ये मंदिर में सिर्फ इसलिए गया था ताकि ये एनकाउंटर से बचना चाहता था और पुलिस मुठभेड़ से बचना चाहता था। दूसरा कारण ये भी था कि पुलिस वाले जिस तरीके से मंदिर में गोलियां नहीं चलाते हैं, मंदिर का सम्मान करते हुए, इसीलिए बचना चाहता था। पकड़े जाने पर सिर्फ यही चिल्लाता रहा कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे को महाकाल पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पर पुलिस वालों ने अतिरिक्त जानकारी विकास दुबे से जुटाने की कोशिश की और साथ ही साथ ये भी पुख्ता करना चाहा कि जिसको पकड़ा गया है वो विकास दुबे ही है। इसके बाद विकास दुबे एक बार फिर वहां पर चिल्लाया मीडिया के सामने कि वो विकास दुबे है, कानपुर वाला। बार बार चिल्लाने का कारण सिर्फ यही माना जा रहा है कि वो मीडिया को ये बताना चाहता था कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है ताकि उसका पुलिस वाले एनकाउंटर ना कर दें। बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी इनसेंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था, अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर इसकी पुख्ता जानकारी दी है कि विकास दुबे पकड़ा गया है और उसके बाद उज्जैन पुलिस उसे एक अज्ञात प्लेस पर ले गई और वहां से उसे UP पुलिस को सौंप दिया जाएगा। प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं, आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही। आरोप है कि कानपुर के बगरू गांव में गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे ने हमला किया जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद उस पर इनाम राशि भी 5,00,000 रुपए कर दी गई थी। वहीं इसके बाद इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां प्रदेश सरकार ने इसे कामयाबी बताया है, वहीं विपक्ष ने इसको नाकामी बताया है। इसके बाद शिवराज सिंह ने कड़ा जवाब देते हुए ये भी बताया कि जो अपराधी महाकाल की शरण में जाते हैं, शायद उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं।